बढ़ते चलो बढ़ते चलो मुबतदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है मुआजस हाजरीन सामीन असलकम वरहल वबरक आज की इस तकरीब के अंदर तशरीफ़ लाने वाले जुमला मुआसस मेहमाना ने गरम ये कदर को मिहाजल कुरान इंटरनेशनल बरतानिया की तरफ से हम ख़ुश अमदेद कहते हैं और दिल की अतः गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं क्या अहबाब इंतहाई अहम इशूज़ पर अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए उनमें से सबसे पहली और अहम इस वक्त जो है आज के दिन वो कोयटा के अंदर ब बरबरीत का शिकार होने वाले वो हमारे भाई और बहनें, जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और जिनकी शायद एक सोची समझी मनसूबा बंदी के साथ नस्ल कुशी की जा रही है हम उसकी मजम्मत करते हुए आज की इस तकरीब के अंदर उनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान से बाहर बसने वाले वो तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जिनका दिन रात पाकिस्तान के लिए दिन का दिल धड़कता है जिनका जिसम तो बर्तानिया या यूरोप या दूसरे ममालिक मगर उनकी रूह सुबह शाम अपने घरों के दरो दीवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो बहुत सारे पाकिस्तानियों से बढ़कर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं जो बहुत सारे पाकिस्तानियों से बढ़कर पाकिस्तानियत से प्यार करते हैं जुल्म की इंतहा यह है जुल्म की इंतहा यह है कि आज उनकी हुबल वतनी पर शक किया गया है और अगर यह शक कोई आम शख्स करता तो बात और थी मगर आला इदारों के सरबराहान की तरफ से ऐसे को शुभहात का इजहार करना इसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर वो क्या बात है कि आज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वो बैरून मुल्क रहने वाले लोग जो अपनी मजबूरियों की वजह से या ना भी मजबूरी हो रह रहे हैं मगर जिनका दिल अपने मुल्क अपने वतन के लिए धड़कता है उनको इस किस्म के अलकाबात से नवाजा जा रहा है हम इसकी भी मुजम्मत करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा और मैं ये भी आर्ज कर दूं कि ये प्रोग्राम मिनहाज टीवी पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है मैं मिनहाज टीवी की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं हदियाई सलाम और हदियाई तबरीक पेश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया के अंदर लाइव दिखा रहे हैं तो आज की इस प्रोग्राम के अंदर आज के इस प्रोग्राम के दुला आज के इस प्रोग्राम की रौनक सारे हैं मगर मैं गुजारिश करूँगा आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट इंतहाई काबिल सदराम मकाम जनाब लॉर्ड नजीर अहमद साहब से कि वो स्टेज पे तशीफ लाएं लॉर्ड साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं हम आज के इस प्रोग्राम के अंदर उनको दिल की आता गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं मैं गुजारिश करूंगा मोहतल मकाम श सब आगे तशीफ के। मा मोहम्मद अफजल सईदी साहब सदर नेशनल एग्जेक्टिव काउंसिल मिनहाजुल कुरान यू के वह स्टेज पर तशीफ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा, करूँगा मोहतरमकामा मुजाहिद अब्बास रिजवी साहब से इमाम अंजुमन हैदरिया के वो स्टेज पर तशरीफ लाए <laughs> मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब नजर अब्बास शाह साहब कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेटर हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं <laughs> मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब रशीद अहमद आवान साहब सदर पाकिस्तान सोसाइटी के वो भी स्टेज पर तशीफ लाएं <प्राँगा> मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम शर्जील मलिक साहब सबक सेक्रटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू के वह स्टेज पर तशीफ लाएं <प्राँगा> मैं दरखास्त करूंगा मोहर मकाम इजमार हजरत अमामा -e सैयद अहमद हुसैन शाह साहब तिरमजी मरकजी रहनुमा मरकजी जमात आन्नत बरतानिया और यूरोप वो स्टेज पर जलवा अफरोज हूं आगे। 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 मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम मोहतर मकाम जनाब जावेद मलिक साहब से कि वो भी स्टेज पर तशीफ लाएं और मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब अरशद अली साहब चेयरमैन रेस्पेक्ट पार्टी के वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं जी मोहतरम शर्जील मलिक साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबक सेक्रेटरी जनरल है यूके के अंदर और आज नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इजहार यकजहती करने के लिए मिनजल कुरान की कॉल पर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और मोहतरम जनाब नजर अब्बास शाह साहब मोहतरम जनाब रशीद अहमद एवान साहब ये सदर हैं पाकिस्तान सोसाइटी वेस्ट के हम आपको भी आज के इस महफिल के अंदर खुश आमदी कहते हैं okay. मोहतरम जनाब नजर अब्बास शाह साहब कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम इकाफ यूके के अंदर हैं और आज पाकिस्तान मुस्लिम काफ की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं हम उनको भी खुश आमजीद कहते हैं और महत मकाम जनाब अलामा मुजाहिद अब्बास रिजवी साहब आज की हमारी खसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं हम उनको भी दिल की आता गहराइयों से खुश आमजीद कहते हैं है। और ये अपने पूरे वफद के साथ हमारी कॉल पर हमारी दावत पर सारे अहबाब तशीफ आए हम इनको आज की इस तक़रीब में खसूसी बात मुबारकबाद पेश करते हैं और हदिया सलाम पेश करते हैं और मैं तेरा नाम ना भी लूं लोग फिर भी तुझे जाने आप अपनी तो पहचान है हवा बाहर की लॉर्ड नजीर अहमद साहबिंग का कोई मजा नहीं आ रहा के लिए और मोहतरम अलामा मोहम्मद अफजल सईदी साहब सदर में हाजर कुरान यू के <laughs> और ये आपने कायदाना सलाम भी देख लिया होगा मोहतरम हजत लामा सैयद अहमद हुसैन शाह तिरवजी मरकजी जमात आल सुन्नत बरसानिया के जो रहनमा हैं और मोहतरम जनाब अरशद अली साहब जो रिस्पेक्ट पैट्टी को आज कर रहे हैं हम उनको भी खुश आमदी कहते हैं वक्त मुख्तार है और मैं अब बिला तखिर गुजारिश करूँगा मोहतरम हजत लामा हाफिज मोहम्मद जीशान साहब से वशीफ लाते हैं और सही इनकलाब की आयात बनाथ से आज के इस प्रोग्राम का آغاز فرماتے ہیں علامہ محمد زيشان صاحب صاحب اعوذ من من الشیطان بسم بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَا إِنْ شَكَرْتُمْ لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحان الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم لامه البيان الشمس والقمر بحسبان. والنجب والشجر يسجدان. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان فاقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأيها فَبِأَجِّ آلَٰئِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ <applause> ما شاء الله يتيح محترم جناب علامة حافظ محمد زيشان صاحب जो तिलावत कलाम पाक से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमा रहे थे अब मैं गुजारिश करूँगा मोहर जनाब जनाब मोहम्मद अफजल सईदी साहब से वो तशरीफ लाते हैं और कलिमात इस्तबालिया अदा फरमाते हैं महम महतर मकाम जनाब मोहम्मद अफजल सईदी साहब सदर मिनहजुलकुरान यू के बसमिल्लर <coughs> मैं कुछ गुज़ारिशात को इन बाद में आज के टॉपिक के हवाले से अर्ज़ करूँगा इस वक्त सिर्फ़ दो चीज़ें अर्ज करनी एक तो मेहमान मेहमाना ग्रामी का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी इस दावत पर तशरी फरमा हुए और हमें इज्जत बख्शी और यकीनन आप इन सब के ख़्याल से मुस्तफीज भी होंगे मुस्निर भी होंगे और बतौर ख़ास मोहतरम लॉर्ड नजीर अहमद साहब जिनकी बहुत ज़्यादा मसूफियात थी मुझे मालूम है कि उनके लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल था और इन्होंने आज के इस प्रोग्राम की खातर अपना किसी और मुल्क का दौरा कैंसिल किया और हमें इज़्ज़त बख्शी मैं तहे दिल से इनका शुक्र अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और उसके साथ फर्दन फर्दन आप सब नाम सुन चुके एक एक हमारे महतर मेहमान जो किसी न किसी समाजी सियासी मजहबी दीनी किसी न किसी तहरीक से किसी न किसी जमात से मुंसलिक हैं एक बहुत बड़ी क्यादत यू के की आप सब के सामने है तहरीक इंसाफ़ के कायदीन हैं पाकिस्तान विकाफ के कायदीन हैं हमारे शिया बरदरी के कायदीन हैं और रशीद अवान साहब हैं इस तरह जावेद साहब हैं रिस्पेक्ट पार्टी से और दीगर अफराद हमारे जो जलवा फरमा हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बात और कहने के लिए मैं आया हूँ कि आज 19 फरवरी है और ये वो दिन है कि जब पाकिस्तान और पूरी दुनिया के नवे ममालिकेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद कादरी, उनके फॉलोअर्स उनके मानने वाले उनसे मोहब्बत करने वाले जो लाखों की तादाद में हैं उनका बर्थडे मनाते हैं कायद डे के नाम से मुख्तफ तकरीबात होती हैं पूरी दुनिया के अंदर और यहाँ यू के अंदर भी आज चार जगहों पर लंदन बर्मिंगम ब्रेडफोर्ड और ग्लासगो के अंदर ये तकरीबात मुनाकिद थीं और पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह नवे ममालिक में चूँकि इस तहरीक और मिशन का नेटवर्क है हर जगह पर इंतहाई पर तरीके से और मुनज़म तरीके से अपने कायद के साथ अहद वफा और तजदीद अहद वफा के नाम से ये तकरीबात होती हैं और लाखों लोग शामिल होते हैं पूरी दुनिया के अंदर मगर आज जब परसों कोयटा के अंदर हमारी शिया कम्युनिटी के साथ बरदरी के साथ भाइयों के साथ एक सितम की इंतहा हुई और आप सब ने टी वी पर देखा और हम में से हर एक का दिल खून के आंसू हो रहा है और हमारे कायद शेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद कादरी ने पूरी दुनिया में यहाँ हॉल बुक हो चुके थे केक ऑर्डर हो चुके थे लाखों लोग इंतज़ार में थे कल रात अपने तमाम पूरे पाकिस्तान में हज़ारों जगह इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो तकरीबा थी अपनी शिया भाइयों के साथ इस गम में हम शामिल होने के लिए हमने तमाम तकरीबा को कैंसिल कर दिया ये वो सानिया था कि जिस पर शेख उम ने ऑर्डर दिया कि तमाम तकरीबा जो काय डे के हवाले से थी सब को कैंसिल कर दिया जाए लिहाजा जितनी दुनिया भर में ये तकरीबा होनी थी और यहाँ भी होनी थी इसको भी कैंसिल कर दिया गया उसको हमने चेंज कर दिया इस तकरीब को लॉट साहब जो उस हवाले से थी उसको आज की इस तकरीब के अंदर डुअल नैशनैलिटी के हवाले से तो हमारा था ही उस पर गुफ्तु होगी वो ऑलरेडी था उसके अंदर ऐड कर लिया कि आज की इस तकरीब में हम अपने शिया भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए यहाँ पर हाज़िर हैं इन श्ला हमारे जितने भी भाई आएंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारा एक दीनी मिली कौमी और पाकिस्तानी फरीज़ा है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर सितम की एक संगीन वारदात हुई और एक अजीब तमाशा हुआ और यहाँ बेशुमार बच्चे यतीम हुए माओ के सामने उनके लाख जिगर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और कोयटा की ज़मीन मुसलमानों के खून से एक मरतबा फिर रंगीन हुई अभी एक महीना नहीं गुज़रा था कि दोबारा वो वाक़ इतनी शिद्दत के साथ हुआ कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्म और निदामत से झुक गया हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं मिनजल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक शेख उम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कदरी और उनके मानने वाले उनके फॉलोअर्स उनके मेबरान रोफाका विमेन लीग यूथ लीग सिस्टर लीग ब्रदर्स लीग पूरी दुनिया में लाखों का नेटवर्क में हाजुल कुरान का सारा अपने शिया भाइयों के साथ उनके गाँव में बराबर का शरीक है लिहाजा आज हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जितने मेहमान आएंगे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि दो है हमारे टॉपिक आज के उस हवाले से मुख्तसर चूँकि मेहमान काफ़ी हैं पाँच पाँच मिनट छः छः मिनट जो मुनासब समझें इस टॉपिक के ऊपर फोकस करें एक तो इन भाइयों के साथ इजहार यकजहती हमदर्दी के हवाले से और प्लस जैसा कि शाह साहब ने भी इब्तदा में ज़िक्र किया कि जो बाहर के डुअल नेशनल जिन्होंने अपनी किसी मजबूरी के तहत दोहरी शहरीत ली और उनको एक आज पाकिस्तान की अदालत उजमा से बेवफाई का ताना मिला गद्दारी का ताना मिला बैरून दुनिया के साथ वफादारी का ताना मिला कि पाकिस्तान के वफ़ादार नहीं किसी और के वफादार वो आएंगे साथ ही अपनी अपनी बात करेंगे उस पर हम बड़े ही अदब के साथ बड़े ही एहतराम के साथ हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की अदालत उजमा की तोह हो ऐसा कोई जुमला वर्ड हम इस प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जिसमें किसी की सुबह की हो या किसी की तोह का पहलू निकले इंतहाई पर वकार तरीके से मुनज़म तरीके से इंतहाई अदब के साथ हम सिर्फ़ अपना एहतजाज इतना ही रिकॉर्ड करवाएंगे कि हम वफ, हम पाकिस्तान के वफ़ादार हैं हमारे खून के अंदर पाकिस्तानीत है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी खत्े में चला जाए वो पाकिस्तानी ही है उसकी पहचान पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो पाकिस्तान का वफादार है खुदारा पाकिस्तान के इन लाखों लोगों की वफ़ादारी के ऊपर शक न किया जाए रात दिन अपने मुल्क के लिए तड़पते हैं इनके दिलों के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत पाकिस्तान से रहने वालों से बढ़कर है और हर मौके पे इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है ये तमाम कायदीन तशरीफ लाएंगे अपना अपना इजहार ख्याल ये मैंने पैरामीटर बता दिया है इसमें रहते हुए किसी अदालत की तोहन नहीं किसी की नहीं सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि हमारी वफ़ादारी के ऊपर शक न किया जाए मैं शाह साहब से अर्ज करूँगा कि आप इस प्रोग्राम का आगे जमा आप मैं गुजारिश करूँगा मह मकाम हजतमा पीर सैयद अहमद हुसैन शाह तिरमजी वो तशरीफ लाते हैं और अपने ख्याल का इजहार फरमाते हैं मरकजी रहनुमा मरकजी जमाते आल सुन्नत बरतानिया यूरोप पी सैयद अहमद हुसैन शाह तिरमजी करीम

नाजरीनो राम अकुम वरह वक् आज का दिन एक हवाले से बड़ी अज़मत वाला दिन है पहले तो जब सईदी साहब मोहतरम ने यहाँ आने की दावत दी तो यही इर्शाद फरमाया कि यहाँ पर कोयटा के मज़लूम के साथ इजहार यकजहती करना है और दूसरा जो दोहरी शहरीत के बारे में मुल्क के अंदर जो फ़जा को मुकदर किया जा रहा है और दोहरी शहरीत वालों के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है और उनकी नीयतों पर शुभ किया जा रहा है उसके बारे में इजहार ख़्याल करना है यहाँ आकर अभी जब अलामा सैदी साहब ने ये बताया कि आज बानिय मिनहाजर्न डॉक्टर कादरी साहेब साहिब मदज़ीआई की बर्थडे भी है उनका योम मिलाद है तो इंतहाई मसरत भी हुई सुनकर और मैं सोच रहा था कि आज का दिन इस हवाले से बड़ी अज़मत वाला दिन है ये कुरान हकीम ने तीन दिनों को इंसान की ज़िंदगी में खसूसी मकाम दिया है और उनको खसूसी अजमत का हामिल करा दिया है ईसा सलाम की ज़ुबान में सूर मरियम व सलाम उलैयाोम वलत व यौम अमूत व यौम उब असैया उस दिन मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मुझ पर सलाम हो जब मैं मुझे मौत आएगी और उस दिन सलाम जब मुझे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो इंसान की ज़िंदगी में ये दिन बड़ी अज़मत वाला होता है और ये तो आम इंसान के बारे में भी है लेकिन जिस दिन कोई रहबर पैदा हो जिस दिन कोई किसी कौम का पेशवा पैदा हो और कोई अंधेरों को दूर करने वाला गुमराहियों को दूर कर देने वाला कोई रहबर अजीम कायद पैदा हो तो यकीनन वो दिन बड़ी ही अज़मतों और बरक़तों वाला होता है इसलिए मैं इस मुबारक दिन पर जुमला हाज़री को और मिनहाजुल कुरान के जितने रफ़क़ा और जितने साथी मुआवन हैं उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से आज के योम मिलाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की ज़िंदगी के लिए उनकी सेहत के लिए और उनकी खिदमत जो वो सर अंजाम दे रहे हैं मज़ीद उसमें में अल्लाह तबारक वाली बरकतें पैदा फरमाए मैं ये दुआ करता हूँ आप सब कहें आमीन, आमीन। जिस मौजू की तरफ अमामा सईदी साहब ने इब्तदा में इशारा फरमाया है कि आज जो ओ सितम बिलखसूस कोयटा में हो रहा है यूं तो पूरा मुल्क कतलगा बना हुआ है और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई किसी ना किसी शहर से धमाकों की और कत्लेआम की खबर मौसूल ना हो लेकिन इंतहाई अफसोस का ये मकाम है कि कोटा के अंदर ख़ास तौर पर एक बरादरी पर जो टारगेटिंग टारगेट किलिंग की जा रही है इंतहाई काबिल मजम्मत है और अफसोस की बात इससे भी ज़्यादा ये है कि जो हाकिम वक्त हैं जिनका ज़िम्मा है जिनकी ड्यूटी है कि वो मुल्क के अंदर अमन कायम करें लोगों की जान माल का तहफ़ फ्राहम करें वो खाबे खरगोश में मज़े ले रहे हैं उनको स्वाए अपनी कमीशनों के इकट्ठा करने के शायद और कोई ही नहीं है हालांकि अपना जो दावे करते हैं तो कहते हैं जनाब मबलकत खुदादा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिय पाकिस्तान लेकिन जो शक्ल पेश की जा रही है दुनिया के सामने क्या उसकी इस्लाम के साथ कोई रेलिवेंस नजर आती है क्या उसके साथ कोई तल्लुक़ नज़र आता है हालांकि मुसलमानों का और इस्लाम का तो ये निज़ाम था कि जिस निज़ाम में फारूक आजम ने फरमाया था कि अगर दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो कल क्यामत को खुदा उमर से उसका भी हिसाब लेगा। लेगारान इस्लाम के तो ये हैं निज़ाम मुस्तफ़ा पर चलने वाले तो ये लोग हैं और इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के साथ साथ दीगर जितने खलफा राशिदीन के दौर को देखें और दीगर सरकार दो के सच्चे गुलामों की जितनी हुकूमतें गुजरें उनके निज़ाम अदल को देखें और निज़ाम अदल पर दूसरी बात सिर्फ इतनी अर्ज करूँगा ता, कादरी साहब गए थे हसूल अदल के लिए और उनको वहाँ से ईसा जदल किया गया अदल की बजाय उनको जदल से हराशा करने की कोशिश की गई लेकिन हज़ार खौफ हो लेकिन हो दिल की रफीक यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक हवा है गो तुम दो तेज चिराग अपना जला रहा है वो मर्द हक कुदरत ने दिए जिसे अंदाज खसरवाना वो न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं हम आज के दिन बिलखसूस उनकी अजमत को सलाम कहते हैं काबीर साहब ने ये उनका ज़ाती मसला नहीं था पहले एक बात हमें इस पर तवज्जो तो रखनी चाहिए अलामत कादरी साहब का ये ज़ाती मसला नहीं था पूरे मुल्क का इज्तमाही मामला है और पूरे मुल्क के लिए इज़्ज़त वकार को बुलंद करने के लिए अच्छे हुक्मरान लाने के लिए और इंतबात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आप तशरीफ़ तो ले गए थे सुप्रीम कोर्ट में लेकिन बजाय इसके कि उनका वो मसला सुना जाता उनकी ज़ात पर बात शुरू कर दी गई और फिर उसमें हमें भी रगड़ा दे दिया गया दोहरी शरीयत वालों को हम भी तो दोहरी शरीयत वाले हैं ना जैसा कि हमारे पेशर फरमा रहे थे कि ये तो ये पंडोरा बक्स खुल जाएगा आप जाएंगे गांव में अपने इलाक़े में तो थानेदार भी आपसे कहेंगे जनाब शिकायत ना करो तुझे दोहरी शरीयत वाले हो आप बताएं कितनी सितम जरीफी और जुल्म है ये कि वो शख्सियत जिसने तकरीबन पचपन वर्ष मुसलसल हम अपने मुल्क की सरजमीन के लिए वक्फ़ किए वो चार पाँच साल के लिए अगर बाहर तशरीफ़ ले जाके तो वो अगर दूसरे नेशनल वहाँ पर स्टे की मजबूरी के लिए वो लेनी पड़ती है वो कानून है यहाँ पर हमारे साथ भी यही मामला है तो अगर वो उन्होंने हासिल कर ली जैसा कि हमने भी हासिल की है तो उनकी नीयत पर भी शक हो रहा है उनकी वफ़ादारी भी मशकूक की जा रही है कितना बड़े अफसोस की बात है हम विद ड्यू रेस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर कोई तनकीद करना मकसूद नहीं ना किसी के किरदार पर सिर्फ़ एक बात की तवज्जो दिलानी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फाजिल जज साहबान हैं वो भी तो इंसान हैं कोई मासूम तो नहीं है कि उनके हर फैसले को मिनोन तस्लीम कर लिया जाए या कहा जाए जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है नहीं मासूम सिर्फ नबी की जात है हमारे नज़दीक और महफूज वो हैं जिन्हें रब ने इनसे महफूज रखा है गुनाहों से खताओं से तो पूरी इस्लामी तारीख में या नबी का फ़ैसला है क्यों वो फही खुदा से होता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता या नबी की जात के बाद मौला कायनात के फैसले हैं जिनको आज तक चैलेंज नहीं किया जा सका वाहिद शख्सियत है मौला कायनत सैदना अलीज़ा करमल्ला वजहुल्लकर करीम जिसकी जिनके बारे में खुद हुजूर ने फरमाया था अकदाकुम अली तुम में सबसे बेहतरीन काजी अली है अली से फैसला कराओ और सीदर भी फरमाते थे कि अगर कराना है फैसला तो इनसे कराओ ये मेरा भी मौला है और सारे मोमिनों का मौला है ये कौल किसका है मौला कायन के बारे में सीधा उमर फ़ारूक आज़मा रजील् तैन का वारा मैं इस तरफ नहीं जाता सिर्फ अर्ज करना मकसूद ये है कि ताहकाद साहब जो तशरीफ़ ले गए वो मामला ही है मुल्क का मसला है वो किसी की ज़ात का मसला ना था लेकिन उनके साथ उनका ज़ाती आगे बातें उछालनी शुरू कर दी गई हालांकि पूरी तारीख़ इंसानी में देखें जहाँ तक मैं कदना सा तालब इलम हूँ मैंने कम अज़ कम कभी किसी आज तक मेरी नज़र से कोई ऐसी नज़ीर कोई प्रेसिडेंट नहीं गुजरी कि कहीं पर कोई साइल गया हो किसी अदालत में तो उसके साथ पहले ये पूछा गया कि बता तेरा मजहब क्या है बता तू खाता कहाँ से है बता तू कपड़े कहाँ से लेता है कब तू बाहर गया था कब तू घर आया था ये सवाल होते हैं या उसकी दाद रसी की जाती है भाई अदालत का काम तो ये होता है कि मसले को सुना जाए और उस मसले पर गुफ्तु -गु की जाए बास भी करनी है तो उस मसले पर की जाए लेकिन हमें अफ़सोस ज़रूर है इस बात पर हम तनकीद नहीं करते हम रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन अफसोस ये है जिनसे वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था जीली है सजा खुददारी की पर हाथ नहीं फैलाए हैं औरों के लिए हर दर्द सहा इस पर भी बुरे कहलाए हैं तीरों का बल सिखाया था जिन्हें अब तीर उन्हीं से खाए हैं जो जख्म मिले हैं अपनों से इन जख्मों को दिखलाएं क्या ये जख्म ही अपना हिस्सा है इन जख्मों पे शर्माए क्या जो दीन के रस्ते पर चलते हैं जो असलाही काम करते हैं उन पर मलामत की जाती है तनकीद की जाती है किरदार कुशी की जाती है बहतान तराजी की जाती है इल्ज़ाम तराशी की जाती है उनके किरदार को मशक करके पेश करना ये तारीख में ये सारे शैतानी का जितने लोग होते हैं उनका ये करतूत रहा है शेवा रहा है लिहाजा इससे घबराना नहीं चाहिए और इन शाह मुझे उम्मीद है अलामा ताहिर को अल्लाह ने जुरत दी है शजात दी है बोलने का सलीका दिया है समझाने का तरीका दिया है और जिस तरह उन्होंने आगही पैदा की है शूर बेदार किया है छोटे छोटे बच्चों को हमने टी वी पर देखा हम मैं ख़ुद ला स्टूडेंट रहा हूँ आज भूल है चुके हैं सारी क्लासें चूँकि प्रैक्टिस नहीं है चूँकि हम अपने दीनी शोबे में दीन के खिदमत करने में मसरूफ़ हैं लेकिन मुझे इतना लुत्फ आया और ख़ुशी हुई कि छोटी छोटी बच्चियों से पूछा गया कि आप ये क्लास के बारे आप क्यों यहां पे लॉन्ग मार्च में आए हैं तो वो बता रहे थे कि जनाब जो 62 और 63 थ्री क्लास है ना और 213 जो है वो डॉक्टर साहब ने ऐसी रटा दी है सबको सबको ऐसी हिफत करा दी है कि अब हमें भी फिर याद आ गया कि वाकई ये क्लास आईने पाकिस्तान का हिस्सा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से जो आगही दी जो शूर बेदार किया है ये येमा साहब का एक अजीम कारनामा है और साहब के उम्र दराजी के लिए भी हम दो आगो हैं और उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं मैं मरकजी जमात अहल सुन्नत बरतानिया व यूरोप का ख़िम होने की हैसियत से आपके उनके साथ मिशन के साथ दोबारा इजहार यकजहती करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ मेरे कायदीन जुमला जो है पिछले प्रोग्राम में साहब के साथ डॉक्टर साहब के साथ वो अपनी तमाम जकजहती का इजहार फरमा चुके हैं और तमाम मुकम्मल मुकमल का यकीन भी दिला चुके हैं इन शारने की काम में हम डॉक्टर साहब के शाना बशाना हैं मुल्क के लिए दीन के लिए आवाम के लिए इंसानियत की खिदमत के लिए हम उनके शाना बशाना इनशाला चलेंगे और उनके मिशन के साथ हैं और जो दूरी शरीर पर जो ये हमला किया गया है हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और जो ओ सितम कोयटा में हो रहा है हम इस पर भी इजहार अफसोस और ताज़ियत के साथ साथ हुक्मरानों के किरदार की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आज कितने दिन हो गए सर्दी में और ज़ालिमों कुछ तो ख्याल करो कि वो वो व रसा और वो रिश्तेदार अजीज वकारब जिनके प्यारों की मैयतें सामने पड़ी हैं उन मैयतों को रख के ये उनसे पूछो जिनका घर लुटा है उनसे पूछो जिनके घर का जो चरा बुझा दिया गया है जुल्म सितम का जो शिकार हुए हैं ये उनसे पूछो ख़ारों से पूछिए ना ही गुल से पूछिए सदमा चमन के लुटने का बुलबुल बुल से पूछिए अल्लाह हम सब को नेक कामों में ताउन की तोफ़ी कता फ़रमाए और अल्लाह तबारक ताली डॉक्टर साहब के अजीम मिशन को जो दीन के लिए है मुल्क व मिलत के लिए है इंसानियत की खिदमत के लिए है अल्लाह तबारक को तआला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्ता फ़रमाए आमीन व आसर दावाना माशा ये थे मौतम जनाब सैयद अहमद हुसैन शाह साहब तिरमजी और शाह साहब की बातों से मुझे एक लंबी नजम है मगर उसमें से दो शेर बार बार मेरे जहन में आ रहे हैं और मैं ये शेर लाल नजीर अहमद साहब की नजर करना चाहूंगा ज़ाहिर उजले बातिन काले होते हैं अब हमें कुछ चीजों का अंदाजा हो रहा है ना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ाहिर उजले बातिन काले होते हैं चेहरों के उस पार भी चेहरे होते हैं और बाज चमकती चीजें भी डस लेती हैं कुछ सांपों के रंग सुनहरे होते हैं बाज चमकती चीजें भी डस लेती हैं कुछ सांपों के रंग सुनहरे होते हैं शेख इस्लाम ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर और फैसलाबाद में फरमाया है कि मैं मैंने आकर इस निजाम के हर हर चेहरे से निकाह उलट दिया है तो ये यह यही बात है कि कुछ सांपों के रंग सुनहरे होते हैं और जहां तक शेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद कादरी की शख्सियत की बात है तो कोई माने या ना माने या ना माने वह ऐसी शख्सियत है इस वक्त दुनिया की बीस मुख्तलफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालब इल्म शेख उम डॉक्टर मोहम्मद कादरी पर पी एच डी कर रहे हैं और अभी पिछले साल हमारे एक भाई मोहतरम रफीक हबीब साहब ने अबरडीन यूनिवर्सिटी से शेख उम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर पर पी एच डी मुकम्मल करके डिग्री लेकर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जहाँ जहाँ एक हज़ार से जायद कुतब और फिर खिताबात का अंबार और दुनिया के जिस कोने में जाएं वो यूरोप हो या अमेरिका कनाडा हो या बर्तानिया सारा मीडिया बैरूनी मीडिया लिख रहा है कि पाकिस्तानी स्कॉलर इंफ्लुएंशियल पाकिस्तानी स्कॉलर सारी दुनिया चीख रही है यह पाकिस्तान का चेहरा है मगर अपनों की आंखें क्यों बंद हो चुकी हैं यही वो सवाल है जिसका जवाब आज शायद हमें लाड नजीर सब देके जाएंगे और मैं इस मौके पर इस मौके पर खराज तहसिन पेश करता हूँ मिनहाज टी वी की टीम को भी कि इस वक्त मुझे अभी मैसेज मिला है कि तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर मिनहाज टी वी के ज़रिए के अंदर तकरीबन दो लाख अफराद हमारी इस तकरीब को लाइव देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और फिर हमारा पूरा पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से उसने लॉन्ग मार्च में सपोर्ट किया और थ्रू और सपोर्ट कर रहा है इतनी परेशानियों इतनी मजबूरीों के बावजूद हम उस पाकिस्तानी मीडिया की इस्तकामत को भी सलाम पेश करते हैं और यहाँ भी हमारे जो भाई मीडिया के आए हैं और बिलखसूस जंग और जियो टी वी जो इस वक्त यहाँ मौजूद है और बाकी भी जितने मीडिया के हमारे दोस्त आए हम सब उनको खराज तहसिन पेश करते हैं मुबारकबाद पेश करते हैं और हम तो रखते हैं कि हक के आवाज उठाने वाले का वो साथ देंगे इसलिए कि शाख उलाम ये नारा लेकर निकले हैं कि लड़ूंगा लहर से तूफान से नहारूँगा जहां बमर है सफीना वही पे उतारूंगा और गिरेंगे जुल्म के ईवान देखना एक दिन गिरेंगे जुल्म के ईवान हर एक शहर से यूं जलजले उबारूंगा और अभी इन जलजलों की बात करने के लिए मैं जिस शख्सियत को दावत दूंगा उनके लिए सिर्फ इतना कि इसलिए कि उन पे भी बड़े बड़े जलजले आए आ रहे हैं और आते रहेंगे कि दस्त कुदरत तुझे महफूज हमेशा रखे दस्त कुदरत तुझे महफूज हमेशा रखे इस जमाने की हर एक गर्म हवा से हाजी गुलाम नबी साहब आपके तवसर तो से तुझ पे आलाम का साया भी न पड़ने पाए तुझ पे आलाम का साया भी न पड़ने पाए मेरा अल्लाह बचाए तुझे नजरेबा से मोहरम लाड नजीर मसाब बरतूर ताइम इस्तेकबाल कीजिएगा बस्मिल् <laughs> रमान रहीम वलसरसानफ़ी खसर आमनु आमिलहति व तवा सोबिलह व तवा सब सबर सद्लम मेरे नहायती मोज्ज़ और मोहतरम सदर महफल अमामा अफजल सैदी साहब अलामा रिजवी साहब अलामा त्रिमजी साहब नहायती मोज्ज़ और मोहतरम स्टेज पर बैठे हुए इक्राम मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरी बेटियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का मशकूर हूँ कि आपने ये तकरीब जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर ताहर कादरी साहब की बर्थडे का क़ायद की बर्थडे का प्रोग्राम था इसको आपने शहदाय कोयटा और ड्यूल नेशनली नेशनैल्टी पे इसको जो तब्दील किया है मैं आपका मशकूर हूँ सैदी साहब को पता है कि जब अमा डॉक्टर कादरी साहब का कारवान लाहौर से चला था तो मीडिया पे जो मुख्तल प्रोग्राम्स और अटैक्स हो रहे थे जब सक्सेस भी हो रही थी तो मैं इनके साथ बाकायदा तौर पे रबते में था और बल्कि इनको सपोर्ट भी कर रहा था मैं समझता हूँ कि शेख डॉक्टर डर कादरी साहब ने सिर्फ़ कुरान की रिप्रेजेंटेशन नहीं की बल्कि मजॉरिटी पाकिस्तानीज ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम आए जिसमें वो शफाफ इलेक्शन भी हो, लेकिन जो कर, करप्ट लोग हैं उनको सियासत से निकाल के उनको जेलों में डाला जाए और ये हम हम सब की आवाज़ है and i can understand there are lots of young people here as well. and i just want to say to you that whilst i'm grateful to all those people who've given me their time, that i'm going to leave some of that time for the food later on. so my speech is not going to be very long. <laughs> <laughs> अलामा सईदी साहब और जितने भी स्पीकर्स आए हैं सच्ची बात यह है कि जब पोटा का सानिया पहली बार हुआ दो डेढ़ महीना पहले होते तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे जिस तरह आपने सुना है मैं उस दिन ये अहल बैद टी वी था तकरीबन डेढ़ घंटा प्रोग्राम था उस वक्त मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरी सिंपथीज मेरी दुआएं मेरी सपोर्ट जो मेरे मुसलमान बहन भाई हजारा कम्युनिटी के ये जो आप बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि शिया कम्युनिटी हजारा कम्युनिटी को आप एसोसिएट करते हैं लेकिन बल्कि मैं तो ये सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे बहन भाई जिन पे ये अटैक हुआ है कि हम उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं हम उन जालमों के खिलाफ बल्कि उन उनम हुक्मरानों के खिलाफ भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू ब्रिंग पीस इन पाकिस्तान बिकॉज वेन दे टॉक अबाउट टेररिज्म ऑफ कोर्स दर इज टेररिज्म बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अगर आप ऑगस्ट टू थाउजेंड एंड अलेवन यहां पर देखें जब राइड्स हुए लंदन में और पूरे मुल्क के अंदर राइड्स शुरू हो गए हुआ ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी छुट्टी पे थे कमिश्नर पुलिस जो है वो रिजाइन हो गया था मेयर ऑफ लंदन छुट्टी पे थे होम सेक्रेटरी छुट्टी पे थी लेकिन व्हाट हैपन दूसरे दिन सारे के सारे वापस आए और उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि टुडे वी विल हैव सिक्सटीन थाउजेंड एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन बल्कि प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि इफ द पुलिस कैन नॉट मैनेज टूमारो व्हाट विल यू डू एन ई सर इफ इफ़ आई हैव टू ब्रिंग द आर्मी इन आई विल ब्रिंग द आर्मी इन बिकॉज आई नीड टू कंट्रोल द सिचुएशन तो मैं ये कहता हूं कि जरदारी साहब और इनकी टीम और जो वहां पे सीएम या गवर्नर वहां पे कोयटा में बैठे हैं बलोचिस्तान में बैठे हैं हैव फेल्ड इट इस टाइम दट आर्मी कम्स एंड टेक्स ओवर को मैं मार्शल लॉ की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं नहीं ये कह रहा हूं कि मार्शल लॉ लाएं लेकिन क्योंकि जब पुलिस फेल हो चुकी है आपकी सिविल अथॉरिटीज फेल हो चुकी है देन समबडीज गोट टू डू इट अल्लाह से बहाना ताला ने तो आपको पावर दी है अकल दी है आपको मुलक दिया है इफ यू कॉन्ट मैनेज योर ओन अफेयर्स देन हुई अगर आर्मी आ गई तो फिर वो जाएंगी नहीं भाई अभी तक तो आर्मी कोई नहीं आई साढ़े चार साल में आपने लुट मचाई हुई है पाकिस्तान का जो डेट है उसको आपने डबल कर दिया मुशर्रफ को हम रो रहे थे पिट रहे थे सैंतीस बिलियन का जनाब उसने कर्ज हमारी कौम पे छोड़ा है और इन्होंने चार सालों में उसको डबल करके सत्तर से ज्यादा बिलियन डॉलर जो है वो कर्ज देती है अगर और फिर अगर पाकिस्तान के हर एक महकमे हर एक अदारे पे इतना कर्ज है यानी साठ बिलियन अरब रुपए गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बिजली के बिल नहीं दिए हुए हैं जो आपका पीआईए है उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए मिलियंस ऑफ पाउंड्स बल्कि अब जनाब दुबई में और मैनचेस्टर में जब तक वो कैश नहीं लाते हैं, उस वक्त तक कोई पेट्रोल नहीं देता क्योंकि ये डेट इतनी बढ़ चुकी है सो so, और ये क्योंकि इनकी गवर्नेंस दिस इज नॉट अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स अबाउट व वे पीपल ऑफ गवंट करप्ट पॉलिटिशंस जुनूने खून चूस चूस के पाकिस्तान को कमजोर कर दिया और फिर जब भी बात करते हैं कहते हैं जी हमने तो डेमोक्रेसी के लिए पांच साल मुकम्मल कर दिए भाई लानत है तुम्हारे पांच साल में आपने तो लुट लुट के पाकिस्तान को खाया पांच साल वॉट डेमोक्रेसी वॉट डेमोक्रेसी लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैं समझता हूं कि सिर्फ कोयटा नहीं बल्कि कराची को भी फौज के हवाले करना चाहिए क्योंकि कराची के हालात हर रोज जहां पे सोलह पंद्रह लाशें गिरती हैं यू नो आई डोंट टेक दिस कि भाई वो शिया हैं वो सुन्नी हैं वो फ्लैंग गैंग के हैं दीज आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैंने एकदा ये बिल्कुल दुरुस्त बात है एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट उनसे मैंने कहा कि यार जब आप प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठते हैं रात को उस रात नहीं वो तो सुबह बैठते हैं तीन चार बजे तो आप उनको ये नहीं कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो जुलम हो रहा है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है क्या वो बंद होना चाहिए या नहीं और प्रेज उन्होंने जवाब दिया प्रेसिडेंट ने कहा जी कि जो मर रहे हैं वो बलोची मर रहे हैं या फौजी मर रहे हैं मेरे बच्चे तो नहीं मर रहे आप अंदाज़ा खुदा की कसम मुझे, मुझे पहले मैं मुशर्रफ को आपको पता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करता था लेकिन मुझे नफरत उससे उस, उस वक्त हुई जब आपने कश्मीर का भी मसला था लाल मस्जिद का भी मसला था लेकिन कराची में जब 52 आदमी मेरे ख्याल में उस दिन मरे थे शहीद हुए थे और बारह बारह नहीं मई 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 बारह मई और मैंने अपने एक दोस्त जो आईएसआई आई के जनरल थे उनको फोन किया मैंने कहा कि खुदा के वास्ते प्रेसिडेंट को कहो कि कराची जाए और उन लोगों के खानदानों के पास जाए वो फिफ्टी टू जो फैमिलीज हैं उन बच्चों को अपने गले लगाए उन बेटियों के सर पे हाथ रखे लानत है ऐसे पे जो आज वहां पे हमारे अस्सी से ज्यादा लाशें वहां कोयटा में पड़ी हुई हैं और वो इस्लामाबाद में शराब पी के सोए हुए लानत है ऐसे लोगों की उनको चाहिए कि वो जनाब जो भी है और उसमें सारे लोग शामिल हैं उनको चाहिए जनाब उनको चाहिए था कि वहां पे जाके उनके साथ दुख और दर्द शेयर करते वंस यू ज्वाइन दम मैं समझता हूं कि मेरा जो दुख है आज आपके साथ मिलके के अलामा रिजवी साहब और मेरे जो शिया भाई बहन हैं उनके साथ जब मैं टीवी पे गया यहाँ पे आया कहीं और पे जाके बयान दिया मेरा आधा दुख जो है वो शेयर होता है उनके साथ ये इंसानियत है ना इसलिए हम जब कोई फोत हो जाए तो उनके घर पे जाते हैं अफसोस करने के लिए सो वी कैन शेयर सम ऑफ द ग्रीफ दर गोइंग थ्रू बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट के जो मौजूदा रूलर्स हैं दे आर नॉट इन टच वेल इफ दे आर नॉट इन टच विद द पीपल देन इस टाइम दीपल शुड थ्रो दम आउट एंड दे शुड आस्प चें सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मैं इज्जत करता हूं बहुत सारे लोग डरते हैं मैं डरता नहीं हूं मैं इज्जत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की इज्जत करता हूं और 63 सी कॉन्स्टिट्यूशन की जो जो शिक है जो पॉइंट है कि ड्यूल नेशनल चाहे जाए पहले कभी भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहरण नहीं किया गया मैं उसको मानता हूं तस्लीम करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज द पावर To adjudicate on 63C <coughs> that dual nationals are not allowed to stand for elections in parliamentary or provincial ele elections in Pakistan. I accept that. But I do not accept the fact that the Chief Justice has a right to question our loyalty of the dual nationals around the world. <laughs> Does not <laughs> there's absolutely nothing. नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि अल्ट्रा वायरिस है पावर्स दैट ही डिड नॉट हैव पावर्स दैट ही हैड यू नो मुझे दुख इस बात का है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान गए मैं उनके साथ था मैं एक वाहद आदमी हूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज ड्यूल नेशनल जाके मैंने अपनी स्टेटमेंट दाखिल करवाई उस वक्त तो आपने एक्सेप्ट कर ली जब मुशर्रफ साहब ने आपको सस्पेंड किया फौज बाहर खड़ी थी और बाब वायर और जिनाब वहां पे पुलिस खड़ी थी किसी को इजाजत नहीं दे रही थी मैंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस साहब के पास उस वक्त ये चीफ जस्टिस नहीं रहे थे किसी और को अपॉइंट किया गया था मैंने कहा कि मैं जाऊंगा चीफ जस्टिस साहब को और उनके घर गया और उनको चीफ जस्टिस साहब करके एड्रेस किया उस वक्त तो आपने मुझे नहीं कहा कि तुम ड्यू नेशनल हो और यहां पे नहीं आ सकते सो <laughs> so, एक ओनली वन वे दैट इज व्हाट वी शुड बी डिमांडिंग दैट 63 सी शुड बी अबॉलिश्ड वी शुड ना तो सिर्फ सिक्सटी थ्री सी अबॉलिश होना चाहिए रिप्लेस करे कि ड्यूल नेशनल्स हैव द सेम राइट्स एज पाकिस्तानी नेशनल्स इनसाइड पाकिस्तान इनफैक्ट आई वुड से एक और क्लॉज ऐड करें कि ड्यूल नेशनल्स आर एसेट टू पाकिस्तान बिकॉज दे ब्रिंग मनी इन टू पाकिस्तान एंड थ्रू डिफिकल्ट आई यहां पे आप देखें दुनिया भर को ग्लोबल विलेज की बात तो करते हैं ये जनाब एक क्लीशे बना के तो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज नाउ अ ग्लोबल विलेज भाई ग्लोबल विलेज में तो आप लोगों को उनकी एक्सपर्टीज को आप इस्तेमाल करते हैं बर्तानिया कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड पे डिपेंड करता है हमने कनाडा से गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड लाया है क्योंकि वो एक्सपर्ट है hmm. कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश ब्रिटिश ड्यूल नेशनल है एंड कैनेडियन उनका करंट लीडर ड्यूल नेशनल है फ्रेंच एंड कैनेडियन जनाब मेरे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुत सारे ऐसे लॉर्ड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया पैदा हुए हैं साउथ अफ्रीका में पैदा, पैदा हुए हैं स्लिम कोयटा पैदा हुए हैं उर्दू बोलते हैं किसी ने कभी कभी नहीं कहा कि तुम्हारी लॉयल्टी बर्तानिया से है या नहीं मुझे किसी ने नहीं कहा मैं चौदह साल से ओथ मैंने ली है कोर्स आई डिड चौदह साल में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठ के मैंने पाकिस्तान को ज्यादा डिफेंड किया है इस मुल्क को कम डिफेंड किया है उस वक्त तो आपने मुझे डाउट नहीं किया साहब। उस वक्त तो हमारे, जब हमारे पैसे बल्कि 14 बिलियन डॉलर पिछले साल जो जो ओवरसीज पाकिस्तानी यस उसमें कम है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 14 बिलियन डॉलर भेजे हैं भाई हमने ब्रेडफोर्ड वालों ने बर्तानिया वालों ने 60 साल मेहनत करके हमने पैसे पाकिस्तान भेजे हैं और आपके सियासतदानों ने पाकिस्तान को लुट के पैसा यहां भेजा है या स्विस स्विस बैंक अकाउंट्स में भेजा है द डिफरेंस दैट्स द डिफरेंस सो वी आस्क यू मैं समझता हूं कि बल्कि मैं बार बार कहता हूं अपनी दिस इज टाइम नाउ वी हैव टू रियली टेक अ स्टैंड अगर हम नी स्टैंड नहीं लेंगे देन यू आर नो वे टू एग्जिस्ट हमें कहना तो यह चाहिए था कि इस पार्लियामेंट को डिजॉल्व करने से पहले सिक्सटी थ्री सी को खत्म किया जाए और अगर यह नहीं होता तो जो पार्लियामेंट इलेक्ट होगी उसका पहला काम यह होना चाहिए कि ड्यूल नेशनैलिटी का यह जो क्लॉज है इसको खत्म करके हमें इक्वल सिटीजनशिप देनी चाहिए बल्कि मैं यह भी कहूंगा कि जो लोग यहां पे सियासतदान आते हैं उनको बड़ी बड़ी दावतें मैं भी देता रहा हूं लेकिन आई टेल यू अगर ये ऐसे करेंगे हमें एकटीजन या हमें डाउट से देखेंगे मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उनके साथ हाथ नहीं मिला सकता हूँ मैं उनके लिए दावत नहीं या तो फिर अपनी वो लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी मुझे सपोर्ट ए, ए, ए गलना आखो मैं गया बड़ी बड़ी कदम आया लेकिन पीछे कोई नहीं होगा मैं पिछली बार आया था दो हफ्ते पहले नहीं नहीं सर जी आप तशरीफ रखें दो हफ्ते पहले आया था यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग हुई थी जहां पे लोगों ने कहा लॉर्ड नजीर कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं और ये जो जेरीज का यहाँ पे दफ्तर खुल रहा है और ये जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं इसको खत्म कराने के लिए तुम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं दूसरे दिन सारे वो लोग कौंसलेट में जनाब दावतें खा रहे थे तो इसलिए अगर आपने मेरे साथ वादा करना है फिर आप मेरे साथ खड़े होंगे और बल्कि कभी कोई ज्यादा काम जिस तरह शेख इस्लाम डॉक्टर ताहर कादरी साहब ने वहां पे बल्कि उनकी तहरीक शुरू है उनका धरना और उनकी तहरीक शुरू है वो खत्म नहीं हुई हमें हर किस्म की सपोर्ट उनको देनी चाहिए और हमें यहाँ पे भी मुत यूनाइट हो के कोई भी कैंपेन करना है बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा साहब जिस तरह आलामा रिजवी साहब और अलामा त्रिमजी साहब ने फरमाया है मैं समझता हूँ कि हमें एक इंटरनेशनल यहाँ से डेलीगेशन बना के सिम्बॉलिक जिसमें आप भी हों रिजवी साहब भी हों जिसमें मेरे जैसे गुनागार जो सियासतदान मैं भी हूं मैं अपनी खुशी से मैं हजारा कम्युनिटी के पास कोयटा में जाना चाहता हूं ताकि मैं अपने बहनों के साथ अपने भाइयों के साथ बैठ के कहूँ कि आई फील द सेम पेन एज यू दिस विल सेंड अ क्लियर मैसेज टू द टेररिस्ट कि दे कैन नॉट गेट अवे विद इट दिस इज अनएक्सेप्टेबल भाई ये तो मेरे बहन भाई हैं अगर कोई नॉन मुस्लिम भी हो पाकिस्तान का कोई क्रिश्चियन हो कोई सिख हो कोई हिंदू हो इंसान हो क्योंकि मेरा रब तो आलमीन है और मेरे जो पैगंबर हैं वो तो रहमतुल आलमीन है wow. मेरे लिए मेरे लिए ये फितना फसाद जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड इज अनएक्सेप्टेबल सो so, मैं आपके साथ हूँ व तस्म बेहबिल्ला जमीन वला तफरकू आपने इसका तर्जमा भी बताया है बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें वी नीड टू तो गो बियॉन्ड दिस तो क़ुरान फरमाता है हूँ बेना कोई कम जहाँ पे भाइयों के अख्तलाफ़ हो जाए वहाँ पे जाके सुलह करवाएँ मैं उस सुलह के लिए भी तैयार हूँ और हमें जाना चाहिए और पाकिस्तान में जहाँ भी जाके सुलह की बात करें और अपने हकूक़ की बात करें मैं आखिर में फिर कुरान इंटरनेशनल अलामा अफजल सैदी साहब और आपके सारी ऑर्गेनाइजेशन का मशकूर हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि मैं अपनी गुजारिशात अपने बहन भाइयों के सामने पेश कर सकूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत। माशा ये थे मोहतरम जनाब लॉर्ड नसीर अहमद साहब जो अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार फरमा रहे थे सिर्फ एक बात गुजारिश कर दूँ कि शाख इस्लाम ने आज से शायद बीस पच्चीस साल पहले एक किताब फरमाया था मैं याद कर रहा हूँ किस जगह और क्या उसका था और उसमें आपने फरमाया था और यही लीडर की खूबियाँ होती हैं ना निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जहासोज यही है रखते सफर मीर कारवां के लिए चूंकि वो कायद हैं वो लीडर हैं वो रहनवा हैं वो आगे का देखते हैं तो उस वक्त उन्होंने लाड़ सा फरमाया था जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था फरमाया था आज जो फसल बो रहे हो ना अभी तुम्हें पता नहीं पता उस वक्त चलेगा जब इसको काटोगे और आज हम काट रहे हैं और हमारे सामने है वो चीज तो इसलिए और दूसरी बात क्या आपने और लोगों से सुना होगा लाड नसीब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के ये मतवाले अगर कह रहे हैं तो तैयार की क्यादत में चल रहे हैं कि जो कह दे तो फिर अल्लाह की रजा से और मुस्तफा की रजा से वो करता है जो भी आगे है उसको हटाता जाता है और यही वो बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद आज भी जहां जहां शाख इस्लाम जाते हैं गुजरावाला का जलसा अगर आपने देखा हो फैसलाबाद का जलसा देखा हो अवाम का माता हुआ समंदर आज भी उस शख्सियत के रहा है उन्हें मालूम है अगर हमें इस जुल्म सितम के चुंगल से कोई आजादी दिला सकता है तो उसका नाम डॉक्टर ताहिर ताहिरुल कादरी है अब आकर में इजहार तशक् के लिए कि के लिए मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब मोहम्मद अफजल सईदी साहब से वो तशरीफ लाते हैं और मेहमान ने ग्रामी्य कद का शुक्रिया और आपके शुक्रिया उसके आ, साथ उसके बाद महफिल का अख्ताम होगा मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाबा मोहम्मद अफजल सैदी साहब सदर मिन कुरान इंटरनेशनल यू के बसमिल्ल रही <coughs> आपने मेहमान ग्राम कदर की गुफ्तगु उनके ख्याल उनके जज्बात से इस्ता किया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फ़रदन फर्दा अपने तमाम मेहमानों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए नहीं मुल्क पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के वो दर्दमंद और दुखी दिल अफराद जो आज भी एक सवाल लेकर आज की इस बजम में आज की इस ऐवान में आए थे और अपने इन मेहमानों से वो कुछ सुनना चाहते थे हमदर्दी शेयर करना चाहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह ती जिस अंदाज़ के साथ जिस खूबसूरती के साथ हमारे मेहमानों ने हमारे शिया भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी किया अपने जज्बा शेयर किए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से सब का फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ बतौर ख़ास जो आज हमारी बज़म के और आज की इस महफल के आज की इस कॉन्फ्रेंस के जरूह रवान वाजबा एहतरामज़त में आब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहिब जो अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात छोड़ कर आए और सबसे पहले तशरीफ़ लाए और उनको बहुत सारा इंतज़ार भी करना पड़ा इस वक्त तक हमारे साथ हैं मैं बार दिगर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ दुआो हूँ कि रब कायन मुसलमानों के लिए आलमी इस्लाम के लिए इनके अंदर जो दर्द है पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक उसके अंदर और इजाफा फरमाए और वो नेक अज़ायम जो लेकर ये गली गली कूचा कूचा हर जगह पे रहते हैं अल्लाह पाक कामयाबी और कामरानी से हमकिन फरमाए दो तीन बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा एक तो अभी जो सूरत है कोयटा की और मुल्क पाकिस्तान की एक नजम की शक्ल में एक पैगाम भी है एक मैसेज भी है और एक दुआ भी है और एक तड़प भी, तड़ भी है और वो ये कि आओ शबे तारीक में एक शम्मा जलाओ आओ शबे तारीक में एक शम्मा जलाओ मजलूमों की आवाज़ से आवाज़ मिलाओ आओ शबे तारीक में एक शम्मा जलाओ मजलूमों की आवाज़ से आवाज़ मिलाओ वो जो सैकड़ों हज़ारों मज़लूम आज कोयटा की ठिठरती हुई फिजाओं के अंदर अपने जवानों के लाशें अपनी निगाहों के सामने लेकर बैठे हैं आज ये सैकड़ों लोग अपना जज्बात और अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिला रहे हैं और आगे ये कि ये जुल्म सहोगे कब तक ये जुल्म सहोगे भला कब तक मेरे लोगों इस जुल्म एक जुर्म खामोशी भी है आवाज उठाओ और खेली गई गलियों में यहा खून की होली खेली गई गलियों में यहाँ खून की होली आओ उन्हें फिर से गुलो गुल गुलजार बनाओ और ये कौम सदा अदल से महरूम रही है यह कौम सदा अदल से महरूम रही है इस कौम की मुमकिन हो तो तकदीर जगाओ आएगा यहां पर न कोई तुमको बचाने आएगा यहां पर न कोई तुमको बचाने दामन में लगी आग को अब खुद ही बुझाओ और तकदीर को इल्जाम ना दो हौसला रखो तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाओ और आखिर में अब देश की खातिर भी जरा वक्त निकालो अब देश की खातिर भी जरा वक्त, जरा वक्त निकालो बदनामी के हर दाग को चुन चुन के मिटाओ हजरत मोहतरम शेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद कादरी, एक ऐसी शख्सियत जैसा कि मैंने अर्ज किया जिनका आज विलादत का दिन था बर्थडे था हमने और हमारी क्यादत ने हज़ूर शेख उम ने पूरी दुनिया के नवे ममालिक में होने वाली तमाम तकरीबा को कैंसिल किया और आप खुश नसीब हैं कि सिर्फ़ एक ही ये तकरीब पूरी दुनिया के अंदर हो भी रही है और देखी भी जा रही है और ये मैंने स्पेशल इजाज़त ली और हमारे महतर में अभी लॉर नज़ीर अहमद से कह रहा था कि मेरी जब आज इस्लाम से बात हुई तो आपने फरमाया बेटे, चूँकि तमाम तकरीबा को कैंसिल कर दिया गया है लिहाजा इसको भी कैंसिल कर दें मैंने किया कि चूँकि मैंने अपने मज़दर मेहमानों को दावत दी हुई है और बहुत सारे और लोगों ने भी आना है तो अगर इजाज़त दें तो हम इसको इस हवाले से चेंज कर लेते हैं कि हम अपने शिया मुस्लिम भाइयों के साथ जो कोयटा के अंदर हुआ उस हमदर्दी के साथ और डुअल नेशनैलिटी का मामला जो आजी हमारी इस तकरीब का हिस्सा था लिहाजा हमने जो केक वगैरह के ऑर्डर दिए थे कैंसिल किए तमाम खुशियों को कैंसिल करके आज हम इनके साथ हैं और एक बात करके मैं आज की इस तकरीब के अख्तिताम की तरफ जाऊँगा और वो खराज अक़दत उस जात के नाम जिसकी जात एक मीनारा नूर की हैसियत रखती है वो डॉक्टर कादरी जो एक नहीं दो नहीं पांच नहीं दर्जन नहीं वन थाउजेंड बुक्स का मुसन्फ राइटर है वो अलामा डॉक्टर कादरी जिसकी खिदमत एक मुल्क तक नहीं दो तक नहीं चार तक नहीं कमो बेश सौ ममालिक तक बल्कि उससे भी ज्यादा पूरी दुनिया जिसके इलम से फैज पा रही है जिसकी हजारों किताबों से इस्तेफादा कर रही है वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद कादरी, जिसने छ सात हजार से लेक्चर पूरी दुनिया की वो अमेरिका हो वो कनाडा हो वो यूरोप का कोई मुल्क हो वो जापान हो वो न्यूजीलैंड हो वो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट हो उसने हर जगह जाकर दुनिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्लियामेंट्स के अंदर वो लेक्चर दिए इस्लाम का पुरअमन चेहरा लोगों को दिखाया और बताया कि लोगों मुसलमान और पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है चंद सर फिर लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इस्लाम को यगमाल बना रखा है इस्लाम का ये चेहरा है वो अमन चेहरा है हॉर्मनी का चेहरा है जिस डॉक्टर ताहर कादरी ने पूरी वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान के इमेज को बुलंद किया पाकिस्तान के नाम को बुलंद किया पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया पाकिस्तान को इज्जत अजमत वकार शौकत और मुकाम दिलाया वो ताहिर जब अपने मुल्क में जाते हैं अपनी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं उस वो अदालत और अदालत के वो जज जो इंसाफ की मसनत पर बैठे हुए हैं जिनसे उन्हें इंसाफ की तो जिन जजों के बारे वो चंद दिन पहले मुबारकबाद के नारे लगवा रहे थे उन्हें यह पता ना था कि जिनसे उन्होंने बड़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं जो वाकया तन अदल के तकाजों को पूरा करेंगे आज सवाल यह होता है बाज एंकर पर्सन ये कहते हैं मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर ताहुल कादरी ने पहले तो उन जजों के बारे में मुबारकबाद के ऐलान किए थे नारे लगवाए थे अब उनका फैसला क्यों नहीं मानते उन चीजों को काटकर पहली गुफ्तु को और बाद वाली गुफ्तगुओ को मिलाकर एक मजाक के तौर पर दिखाया जाता है मैं कहता हूं उन एंकर पर्सन से उन सहाफियों से जिनकी कलम बिके हुए हैं जिनकी जबाने बिकी हुई हैं जो बद अखलाकी का वो मुजाहरा करते हैं उनकी तहरीरें पढ़ें तो गलाजत से लिथड़ी हुई तहरीरें शायद कोई देखना भी गवारा ना करे एक ऐसी शख्सियत के बारे वो बकवासात लिखी जाती है पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि ये इनके अंदर की गलाजत है जो सफहात के ऊपर अखबार के कलम के ऊपर आती है और वो ये लिखते हैं कि पहले तो ये कहा था अब ये कहा गया ये तो तजाद है अरे दोस्तों ये तो देखो कि डॉक्टर ताहर कादरी जिसकी निजत पर शक नहीं किया जा सकता मोमिन हमेशा हुसने जन रखता है उन्होंने हुसन जन रखा हरेक के बारे में रखा अदालतों के बारे में भी रखा उस हुसन जन की बुनियाद पर उन्होंने मुबारकबादें भी दी अदलिया के नाम को बुलंद करने के लिए पूरी जिद्दोजहद भी की मगर जब वही उनके पास इंसाफ लेने के लिए गए उन्हें क्या खबर थी कि आगे बैठे हुए लोग उनके साथ इस बेवफाई से पेश आएंगे आप उन्हें कहें इनकी वफा पर शक न करें इन्होंने तो उसने जंग रखा था यह बेवफा नहीं है अगर वो फैसला मेरठ पर करते उस पटीशन को सुनते पढ़ते उसके बाद जो भी फैसला देते अगर कबूल ना करते तो फिर हमारा जुल्म होता फिर कहा जाता फैसला तस्लीम नहीं हुआ उस पटीशन का तो एक लफज भी ना पढ़ा गया ना सुना गया ना खोला गया नतीजा आपके सामने है लिहाजा आज का ये एवान आज की ये तकरीब आज के ये मज मेहमान आज के ये सैकड़ों लोग अपना एक पुरान एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं उस आला अदलिया और उन आला एवानों के नाम के जिन्होंने डॉक्टर ताहिर को सामने रखकर हजारों नहीं लाखों लोगों के जज्बात को मजरू किया है उनको दोहरी शहरियत का ताना दिया गया उनको पाकिस्तान से गद्दारी का ताना दिया गया उनकी नीयत पर शक किया गया अरे उसकी नीयत पर शक करते हो जिसने लाखों लोगों को मोहब्बत रसूल के आंसू दिए उस डॉक्टर ताहर कादरी की नीयत पर शक करते हो जिसने लाखों करोड़ों लोगों को इस्लाम का सच्चा रास्ता दिखा दिया उस डॉक्टर की पर शक करते हो जिसने पूरे आलम इस्लाम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर नौजवानों को बच्चों को बेटियों को इस्लाम दीन और पाकिस्तानी से मोहब्बत का दर सिखाया है जिनके मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में हैं जो अपने कायद के एक अदना इशारे पर अपना तन मन धन लुटाने वाले हैं इसलिए उन्हें पता है कि उनका कायद बदनीयत नहीं बदनीयत तुम हो बदनीयत कायद नहीं है दोस्तान मोहतरम आइए आज के दिन ये तजदीद वफा का दिन है एक वो नजारा था जो पाकिस्तान के अंदर डी चौक के अंदर इस्लामाबाद के अंदर चश्मे फलक ने शायद ऐसा कभी ना देखा हो लाखों का ठाठे मारता हुआ समंदर एक पत्ता भी ना टूटे एक गमला भी ना टूटे एक गाड़ी का शीशा भी ना टूटे एक उगली को साखम भी ना आए कोई बदनसमी ना हो कोई बेचैनी ना हो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की यख बख्ता फिजाएं जो नजम जो ऑर्गेनाइजेशन जो सबर जो तहम्बल करने सारा पूरी कौम ने पूरी वर्ल्ड ने देखा शायद चश्मे फलक ने इससे पहले कभी ऐसा नजारा ना देखा होगा जिसके मानने वालों का यह किरदार हो जिनके तरबियत याफ्तगान का यह किरदार हो उस कायद की नीयत पर शक करते हो उसके किरदार पर शक करते हो अरे जिसने लाखों लोगों को किरदार दे दिया जिसने करोड़ों लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका दे दिया जिसने लाखों लोगों को सच्चा सुच्चा रास्ता दिखा दिया जिसने लोगों के अंदर डिसिप्लिन पैदा किया ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान से मोहब्बत दी उस कायद की नीयत पर शक करते हो उसके किरदार पर शक करते हो उसके अमल पर शक करते हो नहीं वहां किसी किस्म का शक नहीं है वहां नियतों की सफाई ही सफाई है जिस जात के ऊपर गौसे पाक का साया हो जिसके ऊपर मुस्तफा की काली कमरी का साया हो जिस पर औलिया का साया हो वो कभी बदनीयत नहीं हो सकता बदनीयत कोई और होंगे जिनकी अपने नीयतों में शक होता है वो दूसरों की नीयतों पर शक करते हैं लिहाजा आज की इस तकरीब के अंदर हम अपने कायद के साथ फिर एक वादा करते हैं कि हमारे कायद जिस तरह आप कदम बढ़ा रहे हैं ये तमाम कायदीन इन्होंने भी ऐलान किया मैं भी ऐलान इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ते चले जाइए आगे बढ़ते चले जाइए दुनिया की कोई रुकावट आपका रास्ता रोक नहीं सकती आपकी मंजिल मुस्तफ़ीन इनकलाब है हम आपके साथ हैं यूके के लोग आज ताला ज़मात अहले सुन्नत की नुमाइंदगी भी है मोहतमिला नज़ीर साहब एक बड़ा नाम हमारे साथ है हमारे शिया भाई हमारे साथ हैं मुख्त तंजीमों के लोग हमारे साथ हैं हमारे लिए नहीं सिर्फ पाकिस्तान की बका के लिए इसलिए कि पाकिस्तान सिर्फ मिनहाजुल कुरान वालों का नहीं है पाकिस्तान सब का है और सबको मिलकर डॉक्टर ताहर कादरी जो इस कौम का निजात दहिंदा बनकर कर गया है जिसने कौम के ताबूतों को ललकारा है वक्त के फिरौनों को ललकारा है उसकी आवाज के साथ आवाज भी लाना होगी लिहाजा यहां के लोग जाग उठे हैं उनका जमीर जाग उठा है पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुस्तफी इनकलाब का सवेरा तलू होने को है और आखिर में मैं अपने कायद के नाम सिर्फ दो तीन शेयर करके बात को ख़त्म करूँगा कि जिसकी गर्दन न बातिल के आगे झुकी जिसकी गर्दन न बातिल के आगे झुकी जिसकी आवाज़ बुनती रही रोशनी इल्म से जिसके बटती रही आगही फिक्र से जिसके ताबा रही जिंदगी जो तकद्दस का अजमत का मीनार है कारवाने वफा का जो सालार है बेमिसाल जरी जिसका किरदार है जिंदगी की जो महकार है यह तस्वर बस एक खुशगुमानी नहीं ये तसवर बस एक खुशगुमानी नहीं मेरे लफ्ज मेरे फकत मधा खानी नहीं ये हकीकत है लोगों कहानी नहीं हकीकत है लोगो कहानी नहीं मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं मेरे कायद का कोई भी सारे कहिए मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं इन अज़ीज़ वो वक्त करीब है जब मुस्तफी इनकलाब का सवेरा तलु होगा आज कौमों की माँ बहनों बेटियों की दुआएं उनके साथ हैं वो पूरी पाकिस्तान की कौम का मुकदमा लड़ रहा है वो पूरी पाकिस्तान की पिसी हुई आवाम के लिए जिसने अपने अपना सब कुछ दाव के ऊपर लगा दिया है मैं जानता हूँ मेरा जितना करीबी ताल्लुक है जिस साथ को कोई हाजत नहीं किसी चीज़ की रब काय ने उनको उन इज्जतों से नवाजा है जो वक्त के किसी बादशाह को हासिल नहीं जो वक्त के किसी वजीर आजम को हासिल नहीं अरे जिसके जूते उठाने के लिए लोग तरसे। अरे जिसकी गाड़ियों के टायरों को चूमने के लिए लोग आगे बढ़े इतनी इज्जत आज के दौर में किसको मिल सकती है मगर जिसने अपनी इज्जत जान माल सब कुछ दांव पे लगा दिया किसके लिए अपनी जात के लिए नहीं पाकिस्तान की उन मशलूम बेटियों के लिए जो सारी जिंदगी घरों में बैठी रहती हैं और जिनके दिन नहीं आते कि उनके हाथ पीले हो सके जिनके बेटे उनकी निगाहों के सामने दम तोड़ जाते हैं मगर उनको अदल नहीं मिलता उनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता वो दहशत गर्दी में जलती कटती हुई आवाम जो सुबह शाम दुआएं करती है मता नसरुल्ला रब का तेरी मदद कब उतरेगी रब का फरमान है अला इन्ना न है करीब मेरी मदद चाहने वालों मेरी मदद करीब है अल्लाह के सवादे के मुताबिक हम समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम के लिए अब अल्लाह की मदद उतर चुकी है अगर इस कौम ने शेख इस्लाम का साथ दिया उनका बाजू बने तो यकीन ये क्या आदत उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगी अल्लाह पाक हम सब का हमी मनासर हो और मैं बार दिगर अपने तमाम मज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ तो लाए अपना कीमती वक्त दिया अल्लाह पाक हम सब के हाल पे फलो करम फमाए ये थे मोहतरम मोहतरमामा मोहम्मद अफसल सईदी साहब सदर मिनहज कुरान यू के जो अपने ख्याल और जज्बात का इजहार फरमा रहे थे और आखिर में एक बार फिर मैं अपनी तरफ़ से भी मिनज कुरान यू के की तरफ से आप तमाम अहबाब का और अपने तमाम मौज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और चूंकि ये प्रोग्राम मिनज टी वी के देखा जा रहा है तो आपसे भी गुजारिश है बाईस फरवरी को इनशा लजीज़ इनकलाब मार्च मुल्तान में दाखिल होगा और मुल्तान अलिया की सरजमीन है इन शाह वहाँ अलिया की निगाहें भी डॉक्टर ताहिर पर मरकूज़ होंगी आप तमाम अहबाब इस प्रोग्राम को देखना ना बोलिएगा अपनी दवाओं में अल्लाह के हजूर अपनी इर्तूम में हज़ूर शेख उम की सेहत व सलामती को जरूर याद रखिएगा और पाकिस्तानी कौम और पूरे पाकिस्तान को जरूर याद रखिएगा अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो मैं तो गुजारिश करूँगा अल्लाह हाफ सब साहब से क्यों दुआ फरमाएँगे

जिस नजम के साथ आप अब तक तशरीफ़ फरमा हैं और नज़म का मुजाहरा किया उसी नज़म के साथ साथ वाले हाल में आपके लिए खाना लगा लग चुका है दुआ के बाद आप वहाँ जा कर अपना खाना जो है वो खा सकते हैं अल्लाह मसलसी की दिन महमदम वाइला आलिस की दिनोल महमदम वबारक वसलम अल्लाह मबाना आती नाफ़ दिनिया हसनत वफ़िल़िरती हसनत वक़ीन आदाबिनार यारबल आलमी al अपने प्यारे हबीब सैदालमबिया हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल् के तबसल से एल्ला सानह कोयटा में जितने लोग इस दुनिया से रख्सत हुए हैं शहीद हुए अल्लाह उनके आखरत घर को बेहतर फरमा दे आखरत की मंजिलों को उन्हें आसान फरमा दे उनके लवाकिन को सब्र जमील नसीब फरमा यारबल आलाम तेरी बार गाह में दुआ है हज़ूर ताजदार कायन के कदमों के सदक़ा से पाकिस्तान की सरजमीन में अमन कायम फरमा पाकिस्तान का बोलबाला फरमा दुश्मन ने पाकिस्तान को नेस्तो व नाबूद फरमा एल्ला अपने हबीब के तवसल से और तेरी बार गाह में बिलखसूस हज़ूर ताजदार कायनात सल व्म की दुआओं के सदक़ा से मौला अर्ज है हमारे कायद हजूर सईदी शेख इस्लाम को अपनी हिफ्ज अमान में रख अपनी पनाह में रख अपने क्रम में रख एल्ला हमेशा अपनी आता में रख अल्लाह हर दुश्मन की आंख से आपको महफूज फरमा हर बुरी सोच से आपको महफूज फरमा आपको अपने मिशन में कामयाबी और कामरानी अता फरमा तहरीक तहरीके में अ करफी इनकलाब का सवेरा तलु फरमा दे दुखी इंसानियत की खैर फरमा दे पाकिस्तान में जो लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं मौला तू ही सब की मदद करने वाला है एल्ला सब की मदद फरमा हम सब के अहवाल पर करम फरमा जितने भाई दूर दराज से चल के आए मौला सब का ना कबूल फ़रमा सब के सफ़रों को अपनी हिफ्ज मान में रख अल्लाह हम सब की हाजात को अपनी बारगाह में पूरा फ़रमा मौला या सल व वसलम दा इमन अबादा अला हबीब का खैर अखल के खुल हमी वाला हबीब ना सैदे ना व मौलाना मुहमदम वही वाबाब बेहिला इला महमदिन इन पिला भी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो इन बिला भी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो